तवांग में चीन से झड़प को लेकर संसद में विपक्ष के हंगामे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। अमित शाह ने कहा कि तवांग में झड़प के बाद भारतीय सैनिकों ने वीरता दिखाई और चीनी सैनिकों को पीछे खदेड़ दिया। कांग्रेस पर दोहरा चरित्र का आरोप लगाते हुए अमित शाह ने कहा कि 1962 में कांग्रेस के शासन में चीन ने भारत के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। चीन ने हजारों एकड़ जमीन हथिया ली थी। तो इसका नतीजा क्या हुआ? जिस वक्त गलवान के अंदर हमारे सेना के वीर जवान चीनियों से भिड़ रहे थे, उस वक्त चीनी दूतावास को अधिकारियों को कौन रात्रि भोज दे रहा था? वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर था तो उसका नतीजा क्या हुआ? जब उनकी सरकार थी तो 2006 में भारत में चीन के दूतावास ने पूरे अरुणाचल और पूरे नेफा पर दावा कर दिया। वो उनकी शोध का विषय था क्या? अगर शोध हुई तो उसका नतीजा क्या हुआ?